सांसद केपी यादव ने 650 विकलांग दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए। खबर शिवपुरी से आ रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में 67वें स्थानों पर सामाजिक आधारिता शिविरों के माध्यम से दिव्यांगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए भारत सरकार के एडीबी योजना के अंतर्गत निशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। इस क्रम में आज मानस भवन में सांसद केपी यादव द्वारा विकलांग एवं दिव्यांग लोगों को उपकरण वितरित किए गए। वहीं ऐसे विकलांग जो चल भी नहीं सकते हैं, चलने में असमर्थ हैं, जिनको ट्राई साइकिल दी गई, वहीं जो 80% से ज़्यादा विकलांग है उन्हें इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल वितरित की गई और अन्य दिव्यांग और विकलांग लोगों को जो सामग्री वितरित की गई जो उनके हिसाब से ज़रूरत की थी वह वितरित की गई। इस अवसर पर सांसद केपी यादव ने कहा कि सरकार हमेशा विकलांग और दिव्यांग भाइयों के साथ है और आगे भी कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे और इसी तरह शिविर लगाकर उन्हें सामग्री वितरित की जाएगी। नरेश पाल, कहाँ से आए हो? गुगरीपुरा गांव से, शिवपुरी जिले से। आपके साथ ये जो घटना हुई कब हुई थी? मैं 3 साल के बाद में पोलियो की बीमारी से हुई थी। अच्छा, अब आप ये मशीन मिली, साइकिल मिली, क्या इससे आने जाने मुझे सही लगेगा? पहले साइकिल से कर रही पड़ती थी, अब आरामदायक रहेगा। मैं चाय की दुकान करता हूँ। अभी करते क्या है आप? चाय की दुकान। अब आप उसको किस प्रकार से क्या उपयोग कर सकते हैं? आने जाने के लिए सुलभ रहेगा मेरे लिए। सर, आज जो ये वितरण किए गए हैं, देखिए, ये पूरे देश में ही भारत सरकार की योजना है कि जितने हमारे दिव्यांग भाई हैं उन सबको ये उपकरण दिए जाएं, जिसको चलने में जो असमर्थ है उन्हें ट्राइसाइकिल दी जाए, जो 80% से ज़्यादा विकलांग हैं उनको जो है मोटरसाइकिल दी जाए, इसके बाद कान की मशीन है, छड़ी है, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के उपकरण बनाए हैं कि वो उनको देंगे तो उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सहूलियत होगी और वो ठीक से अपना कार्य कर पाएंगे। तो उसी कड़ी में पिछले 1 साल से हम लोग लगे थे, बीच में कैंप लगवाए थे और जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया था उनको आज उपकरण दिए जा रहे हैं और ये योजना आगे भी चलती रहेगी। जो भी हमारे भाई बहन रह जाएंगे वो आगे भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको आगे इस तरह के कैंप लगवा के और उनको आगे भी इस तरह के उपकरण दिए जाएंगे। अगले अपन अगला शिविर जब होगा तब उसमें दिला देंगे और निश्चित ही जितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं उतने उपकरण दिल्ली से आ चुके हैं और जिनके आगे रजिस्ट्रेशन होंगे उनको तब मिल जाएंगे, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी से बात होती है तो किस व्यक्ति को किस उपकरण की जरूरत है उसी आधार पे उपकरण भेजे जाते हैं, तो निश्चित ही अगर उनका रजिस्ट्रेशन होगा तो उन्हें अवश्य उपकरण मिलेगा। कितने लोग लाभान्वित? यहाँ अभी करीब 650 लोगों लाभान्वित होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बड़ा जिला है तो काफी कम संख्या है। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें और लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि सरकार आपके साथ है और इस तरह के उपकरण आपको निःशुल्क दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा, निश्चित मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इच्छा तो यह है कि एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। जो भी हमारे यहाँ दिव्यांग भाई हैं उनको जो भी उपकरण की उन्हें जरूरत है वो निश्चित मिले।